बचपन की शौक का गाँव से बचपन तो ही मेरा जरा गल से रियाज करता तैयारी रहा जी ढोलक तपला बजा जी वो शौक मैं छड़िया नहीं जी ना ही रखा शरीर के उतों बस हौली हौली कृपा हो रुक टुक वाला कोई है ही नहीं जी मैंने बचपन तो शौक हो गया जी मैं तो गाने ही गाने मैं साज बजाने जी तूड़ी से बग जा करके जो कोई ढोल पला गया उधर बागे जी रिदम वाले ना जो किसी ने सोडे वर्गे ना बागे उधर बागे जी किसी ने प्रोग्राम से बागे उतो साडा गुजारा चलता सी होर अपने को होर आप कम नहीं जानते जी अजकल जिथे गाणियां दी महंगी प्रमोशन करके सिंगर्स अपनी फैन फॉलोविंग बनाउंदे ने उत्थे ही अजिहा हुनर भी है जो पेड प्रमोशन दा मोहताज नहीं। अज असीं तुहाडी मुलाकात अजिहे हुनर नाल ही करवाण लगे हां। मानसा दे कस्बा चनीर दी ए जोड़ी गुलजार खान अते उस दे नाल इक साज वजाउण वाला बच्चा सुखमन ही एक हुनर ही है जो किसी को गरीबी या अमीरी देख के नहीं आता सगो ए ता रब्बी दात हुंदी है। गुलजार खान दे घर भावें जरूरत दे समान तक दी गरीबी है पर हुनर दी अमीरी पूरी है। गुलजार खान जदों गाँदा है ता आवाज़ हूबहू कुलदीप माणक दी तरह लगती है। हर गीत दे नाल सुखमन हीर अपनी मंडोलियन दे सुरां दा जादू अजिहा चलाउंदा है कि सुनन वाले बस सुनदे ही रह जांदे ने। तुसी भी लाओ मजा इस जोड़ी दे खूबसूरत गीतां दा। बूर पिया कनकां नूं माए तै बिच बागी अंबियां पक्कियां अग दे फांबड़ वर्गियां थियां असी सांभ कर च रखिया हूँ में दिलां दियां सांझा वे बावल असी सिदका नाल होनाइयाजा वाग परौनिया थियां तेरे दो दिन वेड़े आईया मैं चादर कट दी उस पावेला मैं चादर कट दी उस पावा चिड़िया मेरे घर जान दिया अज गल्ला चिड़िया मेरे घर जान दिया अज गल्ला चिड़िया चिड़िया दी चीची नी चांदी टुकनी चिड़िया दी चीची नी चांदी टुकनी नाले शरवावानी नाले होके हावा नाले शरवावानी नाले होके हावा चादर कट दी उत्ते पावा वेला साढ़े पिंड दे स्टेशन ते ना रुक दिया रेला साढ़े पिंड दे स्टेशन ते ना रुक दिया रेला मेरा फोला बावलनी देसां दा राजा मैं आते बापू नू लार कुमावा मैं आके बापू नू रे लार कुमावा। समा पुराना होवे चाहे नवा होवे पर जिहड़ी गायकी आ उह पंजाबी गायकी पुरातन जिहड़े गाने सी पुराने गाने अज भी प्रचलित आ ते जिन्हां नू लोक सुन के ते स्वाद दे नाल सुणन दे विच अपनी रुचि रखदे आ
उस नाल जे अज गल करिए अच सोशल मीडिया से नित नवे तो नवे गाने आते है पर उन्हों की थान पर लोग जोड़े पुराने गाने सुनते हैं अज उस तरह पुराने गाने गाने वाला एक सानू फनकार मिलिया जिहड़ा कि अज आपदी गरीबी करके पिछे ही बैठा रह गया पिछलियां ही कतारां च रह गया पर जे उहदी गल करी जावे तां ओह गायक माणक दी बिल्कुल हूबहू आवाज़ दे विच गा लैंदा ते इक वार ये भुलेखा पैंदा कि जिवें माणक साहब ही गा रहे आ ते जिहड़ी गायकी दी गल करिए तां ओह इन्ने क ज़्यादा वधिया तरीके नाल गा रहा गा कि कुछ दिन के पिछे वधिया देखने को प्रसिद्धि मिल रही है तो सोशल मीडिया से जिहड़ियां उहदियां वीडियो वायरल हो रही ने जोड़ी आ मानसा जिले का पिंड झनीर आ जिथे कि झनीर दे विच दो जण्यां दी जोड़ी आ गुलजार खां ते उस दे नाल इक बच्चा गा सुखमन हीर के अज उहनां नाल गल करांगे किस तरह का उहनां दा दौर आ किवें उहनां नूं ये जिहड़ी स्टार्टिंग मिली आ किवें उह दोनों इकट्ठे होए आ उहनां नाल पूरी गल करांगे पर उस तो पहला एक थोड़ी जी जानकारी देनी जरूरी आ कि जो गुलजार खां वह भी इन्नी क ज़्यादा अत की गरीबी के पिछे इस समय चल रहा उसका जोड़ा घर आ वह भी 2000 रुपए किराए पर लिया होया उसने तो उसके परिवार के कली बेटी ही आ बेटी तो पिता दोनों रह रहे तो घर के उन्होंने किसी भी फैसिलिटी की गल करिए तो की होनी सी उन्होंने घर में एक पेटी ज अलमारी ज आप फ्रिज भी नहीं भी कह सकते हैं अत की गरीबी आ तो एक ट्रंक नाल जी अपना टाइम पास कर रहे तो एक साइकिल आ दो तीन मंजे आ तो उस तो इलावा कुछ बिस्तरे ने उन्होंने गल करा किमें दौर रहा किमें इकट्ठे हुए कि उन्होंने आने वाले समय के लगता अपने भविख बारे गुलजार जी स्वागत है तुहाडा हाँ जी धन्यवाद छोटा जी जिहड़ी तुहाडी गायकी आ कदों तो चली आ किमें चली आ तो किमें तुसीं मतलब जिहड़ा गाउण दा स्टार्टिंग कीती आ ये जी बचपन दी शौक दा गाउण सी बचपन तो जी मेरा जरा गल से रियाज करता तैयारी रहा जी ढोलक तपला बजा जी और शौक मैं छड़िया नहीं जी नाल ही रखा शरीर दे उत्थों बस हौली हौली कृपा हो गई जे हुण दी गल करिए ज़्यादातर जी अज की दुनिया ना वो जिहड़ा तुहाडे कोल साज आ ये डोल नहीं आ ये विच लोग पानी पाउंदे आ चाह पाउंदे आ जां दुध पाउंदे आ पर जे तुहाडी गल कीती जावे तुसीं इस साज इनू साज के तौर पर वरत रहे हो पानी चाह या दुध की थान पर डोलनी बजा रहे हो ढोलकी की जगह पर ढोलकी क्यों नहीं बजा रहे जां तबला डोलनी क्यों बजा रहे हो ये जी साड़ी जिहड़ी कैस्ट के कोई हथ बजना जाने फिरपट हो गई जी ये साढ़े तेलू शो दी भी साड़ी चीज़ है भी साड़ी रिदमी है जी ये साड़ी ढोलक है जी लोगों के पता भावें किन्नी है जी भावें दुध वाली है जी पर साड़ी रिदम जी इस वेले साड़ी जिहड़ी इन्हें कृपा कराई है गल करिए परिवार की जां पुराने समयां तो सोडी किसी गायकी परिवार नाल भी नेड़ता रही है जां सोनू गाउण दा जिहड़ा शौक सी उहदे विच सोनू परिवार दे विच परिवार ने रोकिया नहीं जां टोकिया नहीं ये नहीं कहा भी आने वाले समय दे विच जिहड़ा तेरा भविख की होगा रोटी कित्थों खाएगा ये जी ऐसी सोने टेब सोने टोन टेबर घट आई सी उस कैसट पा देनी उस डोलू बजाई जाना ढोलक बजाई जाए रिदम बजाई जानियाँ बाबे रागी भोला सिंह रैपर वो भी कम करता रहा रुक टुकन वाला कोई है ही नहीं जी मैंने बचपन तो शौक हो गया भी मैं तो गाने ही गाने साज बजाने बजाने जी आ चीज़ है जी तुसी आपस दे विच जिहड़ा सुखमन नाल तुहाडा मेल किवें होया किन्ने टाइम तो होया किवें इह तुहाडा जिहड़ा आपस दे जोड़ी बनी ये जी मैं हीर की इस मुंडे दे पापे लवे गया सीगा जी मैं कम गया सी कोई वो जाने कि बैंजो प्ले करते हैं वो मेरा यार दोस्त है मित्र पुराना वो मैं घर बह गया चलाया गया इनू जाके मिलया ये को बच्चे का हथ फड़ा हुआ जो हम फड़े रखा जी ने उदू बाद जी मैं ये कहना गा मैं गाता जी उतों ही बस साड़ी जान पछाण हो गई कितना समा पहला जान पछाण हुई सी ये जी 8 दिन ही होया जी 8 दिन दे विच गल करिए तुहाडियां जिहड़ियां वीडियो भी वायरल होईयां चलियां भी बहुत आ सोनू किसी 8 दिन दे विच किसी गायकी खेत्र चो जां किसी कंपनी खेत्र चो सोनू किसी ने ऑफर करना चाहिए सोनू मिलना या कोई भी असी थोड़ा गाना कढ़वा दिने जां थोड़ी कोई मदद करदे आ नहीं जी किसी का फोन नहीं आ जी अच्छा ना कोई पुछा किसी ने भी थोड़ी कैस्ट करा दिए ना किसी ने आके भी थोड़ी रिकॉर्डिंग करा दिए ये ऑफर नहीं आया जी कंपनी वाला किसी का भी तो जे आपां थोड़ी आपस की दोनों की गल करिए जिहड़े गाने आ वह किस तरह के गाने हो किहड़े किहड़े गाने गाने तुसीं असी जी जिहड़ा पुराना सौंग है जी सदीक साहब होए शिंदा जी होए होर जिहड़े पुराने गायक आ जी इन्हों के गाय से ज्यादा बड़ा खुश गया कि पुराने गीत तो पुराना म्यूजिक जी असी जो जी तुम तुम खड़का नहीं करते जी ये चीज़ गा के बड़ा खुश है हाँ जी
रोटी पानी की गल करिए, जो गरीबी देख रहे हैं घर के अत की है, किराए के घर से तुम रह रहे हो, जो रोटी पानी है घर का गुजारा, फिर वह किमें चलता, दिहाड़ी मजदूरी ज पैसा कितों आता, किमें एडजस्ट करते हो? वो तो जी हूँ लॉकडाउन के आ गए थे जी, तूड़ी तो बग जा करके जो कोई ढोलक ला गया उसने वागे जी रिदम वाले ना, जो किसी ने सोडे वर्गे ने वागे उसने वागे जी, किसी ने प्रोग्राम से वागे, उस तो सा गुजारा चलता सी, होर अपने को होर आप कम नहीं जानते जी, कोई आगा जी। समय की गल करिए, समय के फिर थोड़ा जो घर का गुजारा वो कि चलता, किमें चलता, कि जो जाने गाँव बजाने जो उतो की दिहाड़ी बन जाती है ज नहीं बनती, की त्रासदी रही है उतों जी? 300 बन गया, 400 बन गया जी, दुध मुल का जी, कुड़ी की पढ़ाई किताबा पैर चप्पल जोड़े आप भी चाहिए, उन्होंने भी चाहिए जी, 200-300 रुपये का कुछ होंगे नहीं जी। जे सोडी गल करिए, गुलजार कि पढ़े हो ज कि जी गायकी किमें रही है? असं अनपढ़ जी, चलो वो तो जी आप रट्टा ला लें, जो कोई मुंडा पढ़िया को बहा लें जी, अपन दस लेंदा चैनल पर भी आएगा जाएगा, आपको भी गा लेना जी ये चीज़। सुखमन भी साढ़े नाल मौजूद आ, सुखमन नाल भी गल करते हैं। सुखमन तुसी मंडोलियन बजा रहे हो, मंडोलियन दे नाल नाल तुसी कोई होर भी कुछ बजा लेने जा कल्ली मंडोलियन ही जिहड़ी तुहानू बजाउणी? हाँ जी, मैं हारमोनीयम जी, बैंजू जी, ये साज बजा लैंदा जी। पर बैंजू या हारमोनीयम की जगह इत्थे तुसी मंडोलियन ही क्यों चूज कीती आ, इहदे विच की आसानी आ जां किस तरह दा की दायरा रहा? देखो जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਖਮਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ? ਪਲੱਸ ਵਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਵਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? 3 ਘੰਟੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਬੈਂਚ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਏ ਆਉਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲਿਖੀਏ ਜੀ ਸੌਂਗ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਏ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਇਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਾਇਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਹੋ ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਗਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸੁਖਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਲੈਵਲ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ,
ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰ ਹੋਈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਗਾਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਗਾਣੇ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਮਾਨਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।